एक्शन। में कुछ गड़बड़ तो होगी कि जो कुछ भी हमने किया, हमने सुना घर में 10 लाख रुपए, और जैसे ही हमने सबको बांध कर पैसा ढूंढना चालू किया, मैं समझ गया कि हमें गलत खबर मिली। कोई पैसा नहीं था। लेकिन धर्मेश को यकीन नहीं हो रहा था, तो उसने घर के एक एक कोने को उधेड़ दिया। दीवारों को ठोक कर पता कर रहा था कि किसी दीवार में तिजोरी तो नहीं है। धर्मेश ने कहा कि जब वो पैसे ढूंढ लेगा तो वो नीना के कमरे में जाकर उसके साथ, पर मैंने उसको कह दिया कि मैं ऐसा कुछ करने नहीं दूंगा, और मैं नीना के साथ बैठा रहा। बहुत अच्छा था वहां, धर्मेश मुझे बुलाने आया और हम लाइट बंद करके नीचे सीधा बेसमेंट में चले गए, जहां चोपड़ा और उसका बेटा था। धर्मेश कहता रहा कोई गवाह नहीं। मैंने सोचा कि थोड़ी देर और बोलेगा और फिर चुप हो जाएगा, और हम सारी रात गाड़ी चलाकर चले जाएंगे, कोई हमें ढूंढ नहीं पाएगा। मैंने चोपड़ा को पाइप से बांध रखा था, रस्सी से पाइप पर बांध रखा था उसको हमने। मैंने देखा कि उसको चोट लगी है, तो मैंने रस्सी काट दी। हमने पीछे उसके डब्बा रख दिया ताकि वो टेक लगाकर आराम से बैठ सके। चोपड़ा मुझसे पूछता कि उसकी बीवी और बेटी ठीक है। मैंने कहा हाँ ठीक है, वो थोड़ी देर में सो जाएंगी और कुछ देर में सुबह हो जाएगी, आपको कुछ लोग छुड़ाने आ जाएंगे, आपकी मदद कर देंगे वो। चोपड़ा मुझे देखता रहा, बस देख रहा था मेरी आंखों में। वो चाहता था कि मैं उसे मार दूं, वो चाहता था कि मैं एक ऐसा इंसान बन जाऊं जो उसे मार दे। मैंने सोचा कि एक भला आदमी मुझसे डरा हुआ है, मुझे खुद से शर्म आ रही थी कि एक भला आदमी, अच्छा सा मेरा मतलब है एक जेंटलमैन, मुझसे डरा हुआ। मैं ये उस पल तक सोचता रहा जब मैंने उसकी गर्दन काट डाली। मुझे तब तक समझ ही नहीं आया कि मैंने क्या किया, जब तक मैंने वो आवाज सुनी जैसे कोई पानी में डूब रहा हो। वो मुझे देखता रहा, मुझे देखता रहा, खून जमीन पर था। मैंने धर्मेश को उसे खत्म करने को कहा, पर उससे हुआ नहीं। हम चोपड़ा को ऐसी हालत में छोड़ नहीं सकते थे, तो मैंने धर्मेश से पिस्तौल ले ली। हम फिर मिसेस चोपड़ा के रूम में गए।
वहां से निकलेगा। अब तुम क्या सोचते हो मेरे बारे में? मैं घर से कितने पैसे मिले? अच्छा, साढ़े 700।